टी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको देंगे आज दिन भर का पूरा अपडेट, मार्केट की क्लोजिंग आज कैसी रही, साथ ही दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं ये भी आपको बताएंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट का भी एक क्विक अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बाजार से करें तो आज हम देख रहे थे कि लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में ब्रेक लगा और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वो लाल निशान में हुई, करीब करीब 60 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में देखेंगे तो वहां पर 250 अंकों से भी ज़्यादा की गिरावट आज के दिन देखने को मिली और दबाव बनाने का काम किया बैंकिंग शेयरों ने और अदानी ग्रुप के शेयरों में भी आज दबाव दिखा। लेकिन चलिए मार्केट का आगे एक पूरा जायजा लेंगे हम प्रियंका के साथ, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में इस वक्त किस तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्वमोहन गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए मार्केट में क्रूड में वापस से तेजी आ रही है, पिछले 2 दिनों की तेजी के बाद आज भी 2% से ज़्यादा की रैली दिख रही है और $78 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है और ओपेक प्लस से इस तरह की संभावनाएं बन रही कि जून में जो 3 जून को की जो उनकी बैठक होने वाली है वहां पर उत्पादन को फिर से कटौती की जा सकती है और इसके संकेत सऊदी की तरफ से दिए जा रहे हैं, इस वजह से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही US में क्रूड स्टॉक के जो पिछले हफ्ते के आंकड़े आए हैं वो अनुमान के विपरीत कम हो गए हैं, जबकि बाजार को अनुमान था कि क्रूड के स्टॉक बढ़कर आएंगे। साथ ही डिमांड को लेकर भी लग रहा है कि जो सेकेंड हाफ होगा वो काफ़ी बेहतर होगा, साथ ही US में जो समर सीज़न का जो पीक ड्राइविंग सीज़न होता है उसका फ़ायदा भी यहाँ पर क्रूड कीमतों को मिल सकता है, तो वो सारी वजह है जो क्रूड कीमतों को सपोर्ट कर रही है। अब सोने चांदी की बात कर लेते हैं। सोना हालांकि दायरे में कारोबार कर रहा है लेकिन दबाव वहां पर भी दिख रहा है। चांदी की बात करें तो यहां पर कमजोरी ज्यादा है, मेटल्स के साथ साथ चांदी में भी बिकवाली दिख रही है। डेट सीलिंग को लग रहा है कि US में डेट सीलिंग जल्द बढ़ाई जा सकती है, डिफॉल्ट का खतरा बहुत नहीं दिख रहा है वहां पर, उससे यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को जो प्रीमियम मिल रहा था अनसर्टेंटी का वो कम हो रहा है और यहाँ पर दबाव दिख रहा है। बेस मेटल्स की बात करें तो चौतरफा लगातार बिकवाली दिख रही है। अप्रैल के हाई से अगर बात करें तो कॉपर करीब करीब 13% की गिरावट आ चुकी है। इस साल के हाई से बात करें तो सारे ही मेटल 20 से 25% तक गिर चुके हैं, तो एक बड़ी गिरावट आ रही है। चीन से उम्मीद थी कि वहाँ पर रिकवरी आएगी लेकिन चीन के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आ रहे हैं वो अनुमान से काफ़ी कम है, वो दबाव बना रहे। साथ ही कंस्ट्रक्शन के जो नंबर्स है, नए घरों के जो खरीदारी के इन्वेस्टमेंट के जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी कमजोर है, तो चीन क्योंकि कॉपर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहां पर अगर आंकड़े खराब आते हैं तो उसका नुकसान यहां पर हो रहा है। साथ ही ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता तो बनी हुई है, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो बेस मेटल्स पर दबाव बना रहा है और सबसे ज्यादा आज कमोडिटी में गिरावट और इस हफ्ते की गिरावट की बात करें तो मेटल ही है। ठीक है, तो मेटल में दबाव आज काफ़ी दिख रहा है। कच्चे तेल में दोनों साइड के फैक्टर्स हैं और हल्की तेज़ी वहां पर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट एक्सपर्ट से भी हमने बात की इस दौरान, उनका क्या कहना है आइए आपको एक एक करके ये भी सुनवा देते हैं। और एक्सिस म्यूचुअल फंड के हितेश झावेरी ने कहा है कि फिलहाल मानसून कैसा रहेगा उस पर नजर रहेगी और उनके मुताबिक ऑटो एंसिलरी सेक्टर में निवेश के बेहतर मौके दिखाई दे रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारी इस पेशकश में जहां पर हम आपके निवेश की बात करते हैं और बाजार की मौजूदा चाल की बात करते हैं। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान है एक्सिस म्यूचुअल फंड के SVP हेड लिस्टेड इक्विटी अल्टरनेटिव्स हितेश झावेरी। हितेश, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो बाजार की जिस तरह से मूवमेंट दिखाई दे रही है, FIIs का पैसा भी आ रहा है और यहाँ बाजार जो है अपने आप को होल्ड करने की पूरी कोशिश, इनफैक्ट आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में, लेकिन मॉनसून एक ट्रिगर है जो शायद रंग में भंग डाल सकता है, क्या कहेंगे आप? मॉनसून का अभी अनसर्टेनिटी है मॉनसून के लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल फोरकास्ट आई थी फ्रॉम स्काईमेट, वो फोरकास्ट में ऐसा कहा गया था कि अराउंड 94% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज जितना रेनफॉल हो सकता है ये सीजन में। उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव कलर ये था कि IMD की फोरकास्ट में आया था कि शायद मॉनसून विल बी यू नो क्लोज टू 100% नॉर्मल। अगर मॉनसून नॉर्मल होता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है। हमारी इकोनॉमी अभी भी 60% हमारी पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज में है, तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि रेनफॉल नॉर्मल हो, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। सो हमको देखना होगा कि अगले 3 महीने में क्या फाइनल आउटकम होता है, वो हिसाब से बाजार में थोड़ी उसकी इफेक्ट आ सकती है। वैसे हमने देखा है कि अगर पिछले लास्ट 20 इयर्स का
विश्लेषण अगर आप देखेंगे तो वो इवन वेन की मानसून थोड़ा कम होगा, मार्केट पे इफेक्ट लिमिटेड रही है, लेकिन जो भी मार्केट में लिमिटेड रिटर्न्स रहा है लास्ट वन ईयर वन लास्ट एक साल में, अगर मानसून वीक रहा तो ऐसी कंसर्न हो सकती है कि वो पिंड ऑफ लो रिटर्न थोड़ा ज्यादा समय चल सकता है जैसे अगले 3 या 4 महीने। हितेश आगे बढ़ते हैं और अब इस पूरे वित्त वर्ष की मैं बात करना चाहती हूं, जहां पर कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आपके रडार में हो और जहां पर इस पूरे वित्त वर्ष में हम शायद कमाई के मौके हमें मिल सके। ये साल में फाइनेंशियल 24 में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि FY23 का जो एग्जिट नंबर से खास करके बैंक्स का और प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों गुटों में परिणाम अच्छे रहे, नतीजे अच्छे रहे, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव है और ऐसा हमारा आउटलुक है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहां से ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए और इकोनॉमी का ग्रोथ भी स्ट्रांग है कि बैंक के लिए आउटलुक 24 के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें ये भी लगता है कि NBFC को भी बेनिफिट है, NBFCs का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री अगेन FY24 के लिए पॉजिटिव है, जब भी लास्ट रिजल्ट में उन्होंने अपडेट दिया हुआ है। सो और अक्रॉस द सेगमेंट इनसाइड ऑफ NBFCs में जैसे कि माइक्रो फाइनेंस होगा या कंज्यूमर ओरिएंटेड NBFCs होगा, सो हमारा एक्सपेक्टेशन वहां से भी पॉजिटिव है। ऑटोमोटिव के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, अगर आप लास्ट 4-5 साल देखेंगे तो ऑटोमोटिव का परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कम रहा है वर्सेस हिस्टोरिकल एवरेजेस और FY23 में उसमें थोड़ा करेक्शन हुआ था कि ग्रोथ हेल्दी रही थी FY23 में और FY24 में मैनेजमेंट का आउटलुक अगेन पॉजिटिव है और ऑन बैक ऑफ इट उसकी वजह से हमें ये भी लगता है कि ऑटो एंसिलरीज में ये कंपनीज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी। ऑटो एंसिलरीज में एडवांटेज ये होता है कि OEM ऑफ कोर्स एक B2C बिजनेस है जहाँ पे अपने अपने सेगमेंट में उनकी प्रेजेंस और उनके कस्टमर्स की तरफ उनका ओरिएंटेशन है, लेकिन ऑटो एंसिलरी में देख वो काफी डिफरेंट एंड कस्टमर्स को कवर कर सकते हैं, वो आफ्टर मार्केट में बेच सकते हैं, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि ऑटो एंसिलरी में भी पॉजिटिव है। और ये सेक्टर्स छोड़ के काफी बॉटम्स अप कंज्यूमर ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए भी हम लोग पॉजिटिव है। हितेश अब एक चीज जो कि मेरे ख्याल से ग्लोबल अनसर्टिनिटी की ओर भी इशारा करती है, सबसे पहले तो ग्लोबल अनसर्टिनिटी जो फिलहाल हमें दिखाई दे रही है वो आपके मुताबिक हमारे बाजार को कितना इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी अनिश्चितता है ग्लोबल बाजारों में, उसके बावजूद भी हम काफी मजबूती से खड़े हैं हितेश, और अगर हम इतनी मजबूती से खड़े हैं तो कब तक खड़े रह सकते हैं और जो अनिश्चितताएं हैं विदेशी बाजारों में वो और कितना असर डाल सकती हैं, या आपके मुताबिक अभी वो अनिश्चितता का माहौल हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, कैसे देखते हैं? ये आपका पॉइंट काफी आपका ऑब्जर्वेशन काफी सही है। उसका एक कारण मुख्य कारण यही है कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ है फॉर FY21, 22, 23, 24 और 25 की जो फोरकास्ट है, हम लोग काफी लीडिंग रहे हैं उसमें, आई मीन 22, 23, 24 एंड सो ऑन। इनफैक्ट अगर आप अगले 2 साल का देखें तो हमारा GDP ग्रोथ एज पर दी IMF फोरकास्ट 6% के नॉर्थ में है दोनों साल में और वो G20 में सबसे सबसे फास्ट है, वो सबसे यू नो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। सो दैट इज द मेन रीजन के इंडिया में जो ग्लोबल मार्केट में वीकनेस दिखाई दे रही है। थोड़े 2 महीने पहले वर्ल्ड बैंक के चीफ का स्टेटमेंट था कि 60% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज में रिसेशन ये साल में आ सकता है। रिसेशन तो दूर की बात है, इंडिया इज यू नो इन अ 6% ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगेन, तो काफी काफी स्ट्रांग है। सो ये मेन सोर्स है। सेकंड रीजन ये है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड मार्केट है। वी हैव यू नो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी का बेस है काफी वाइड है और देयरफॉर इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर 2-4 सेक्टर 5-6 सेक्टर ठीक नहीं कर रहे हैं
तो अपना इन्वेस्टमेंट और कहीं पे ले जा सकते हैं, दे कैन उनका रिटर्न वहां पे अर्न कर सकते हैं। तो ये दोनों खूबियां जो इंडिया में है वो काफी कम मार्केट में है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टिंग में भी टॉप 10 और सो जहां पे रिसेशन का रिस्क है, वो कारणों से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हितेश, आपने समय निकाला और बाजार की चाल पर अपनी राय रखी और दर्शकों के साथ साझा की, धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दे, नमस्कार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट का भी एक क्विक अपडेट ले लेते हैं। आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा, इस पर पूरी डिटेल जानकारी लेकर हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं। प्रियंका बताइए, आज बाजार थोड़ी वीकनेस के साथ क्लोज हुए। इनफैक्ट आप देखें निफ्टी जिन हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था सुबह से, वहां से लगभग 120 अंक नीचे क्लोज हुआ है। क्लोजिंग के टाइम 18,300 से नीचे क्लोज किया निफ्टी ने, बैंक निफ्टी भी लगभग 43,700 के नीचे क्लोज हुआ। आज दिन भर में बाजार में जो सुबह जो एक रिकवरी रीबाउंड अटेम्प्ट हुआ था वो आईटी लेड था, और लेकिन वहां गेंस इरोड, पर अब जब बाजार क्लोज हो रहा था तो उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ टिल्टेड जरूर दिखाई दे रहा था। स्टॉक्स लाइक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, मिड कैप में लॉरस लैब जैसे काउंटर्स में अच्छी बड़ी मूव थी। टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो उसमें जो दूसरे गेनर्स थे उसमें कंजम्पशन में ITC जैसे स्टॉक थे, हीरो मोटोकॉप ऑटो पैक में था, मारुति में अच्छी मूव थी। तो ये कुछ स्पेसेस थे जहां पर आपको तेजी देखने मिली। एनर्जी पैक से ONGC में परफॉर्मेंस थी, लेकिन रिलायंस ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। बहुत बड़ा ड्रैगर नहीं था, लेकिन एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद से ग्रेन से निकलेगा, लेकिन वहां पर वो नहीं हुआ। आज क्लियरली आपको प्रॉफिट बुकिंग अडानी स्टॉक से, क्योंकि ये पूरा पैक था जो पिछले 3 दिन से बढ़ रहा था और इंडेक्स को वेट भी दे रहा था, लेकिन आज अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, कैश, FNO सारे अडानी स्टॉक्स में मिड कैप और लार्ज कैप में अच्छी खासी आपको सेल ऑफ देखने को मिला। अडानी एंटरप्राइज, पोर्ट्स दोनों ही बड़े ड्रैगर्स थे। अगर ऑटो पैक से मारुति और हीरो मोटोकॉर्प में गेन्स थे तो टाटा मोटर्स से गेन्स इरोड हुए। बैंक्स वीक हुए, बैंक्स में बिगी HDFC बैंक और HDFC ट्विन दोनों से ही आपको गिरावट दिखी। बजाज ट्विंस वापस आते हुए दिख रहे थे, लेकिन वहां थोड़ा प्रेशर दिखा, और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स भी नेगेटिव हुए। लार्ज कैप कैपिटल गुड स्पेस लाइक L&T वहां पर भी थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट में एक्शन है। मिड कैप में आपको स्मॉल कैप कल अपने इंट्राडे हाई पे था 5 महीने के बाद, आज मिड कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया और मिड कैप के कई सारे स्टॉक्स जो अच्छी खासी मूव के साथ बंद भी हुए उनमें दीपक नाइट्रेट, क्योंकि वहां पर कंपनी ने कैपेक्स की अनाउंसमेंट की 5,000 करोड़ की, तो उसको लेकर बाजार एक्साइटेड हुआ। 10% की मूव दीपक नाइट्रेट में आई। डिक्सन टेक में नंबर्स अच्छा आए, मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी, PLI स्कीम की बात की, कुछ बड़े नए ऑर्डर्स की बात की, डिफरेंट डिविजन्स की बात की, और उसके बाद स्ट्रीट ने अच्छा रिएक्शन दिया। 7.5% की बढ़त आपको डिक्सन टेक में दिखी। दूसरे कुछ और काउंटर्स, वारन बेवरेजेस, वहां आप साउथ अफ्रीका की सब्सिडी का फायदा बाजार एंटिसिपेट कर रहा है कितना मिल सकता है, और उसके चलते वहां पर आपको बड़ी मूव देखने को मिली। कंज्यूमर ग्रीव्स, यहाँ पर आज एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट आई थी और उसकी वजह से आपने स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखा, लेकिन मिड कैप में आज बड़ा डेंट कहाँ देखा, कमिंस के नंबर्स आए, मैनेजमेंट ने कमेंट्री देने से मना किया, गाइडेंस देने से मना किया, और उस गाइडेंस ना देने के एब्सेंस में बाजार ने बहुत ही क्लियर रिएक्शन दिया, 5.5% स्टॉक नीचे बंद हुआ। दूसरे जो स्टॉक्स थे उसमें मिड कैप IT भी लगाट थे, LTTS जैसे स्टॉक्स हो वहाँ पर आपको लगाट रहे, PSU बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स हो जो बड़े टॉप लूजर्स रहे उनमें देखना रहा, लेकिन आज बड़े ट्रिगर्स जो आएंगे वो ग्लोबल मार्केट से, फेड के मिनट से आएंगे, और देखना होगा कि कल हम कैसे रिएक्ट करते हैं।